दोस्तों जब भी हम हिस्ट्री के ईयर्स को देखते हैं तो हमें उनके साथ AD, BC, CE, BCE जरूर देखने को मिलता है, जो कि सेम नंबर होने के बावजूद अलग अलग ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों AD, BC समझने से पहले हमें जीसस क्राइस्ट के बारे में देखना होगा। तो दोस्तों आज की डेट में कोई हिस्टोरियंस एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था। हिस्टोरियंस का यही अनुमान है कि इनका जन्म 0 ईयर के आसपास ही हुआ था, जिस कारण हम 0 ईयर को जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर मानते हैं। और दोस्तों इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए एक रोमन मॉन्क डाइनिशियस ने क्रिश्चियन कैलेंडर इन्वेंट किया, जिसमें उन्होंने इस 0 ईयर के पहले के समय को BC यानी बिफोर क्राइस्ट कहा, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, और इसी ईयर के बाद के समय को AD यानी एन्नो डोमिनी कहा, जो कि एक लैटिन वर्ड है, हिंदी में इसे ईस्वी कहते हैं। अब दोस्तों इन नंबर्स का रिप्रेजेंटेटिंग प्रोसेस कुछ ऐसा है कि ये जो BC के ईयर ऑफ नंबर हैं, ये हायर से लोअर नंबर की ओर जाते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहते हैं, और ये जो AD के ईयर ऑफ नंबर हैं, ये लोअर से हायर की ओर जाते हैं, यानी इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1501 AD में हैं, तो आपका नेक्स्ट ईयर होगा 1502 AD। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1501 BC में हैं, तो आपका नेक्स्ट ईयर होगा 1500 BC। अब दोस्तों यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है CE और BCE का, जो कि कुछ ऐसे लोगों के कारण इवॉल्व किया गया है जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं है CE और AD, साथ ही BC और BCE के बीच में, यानी ये सिमिलर वर्क करेंगे। और यहाँ पर CE का मतलब कॉमन एरा और BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली समझ आया होगा। जय हिंद।